चुनिंदा रागनियों में से बड़ी ही मार्मी के रागनी भीषम वध से है। और मौका उस वक्त का है कि जिस समय महाभारत के युद्ध को चलते हुए 10 रोज गुजरे, 10 रोज में महाभारत के युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। ठाकुर जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि भाई इस तरह दादा भीषम अगर 10,000 सैनिक रोज मारेंगे, आपस का तुम्हारा फैसला है, इन सैनिकों की गलती क्या है, क्या करना चाहिए कि आज युद्ध समाप्त करने के बाद में दादा भीषम के पास जाओ, जब आप उन्हें प्रणाम करोगे उससे आगे की मैं आपको बताऊंगा। सजनो पितामह भीषम के शिविर में पहुंचे, देखा तो दादा भीषम वहां पर नहीं थे। पितामह भीषम कुरुक्षेत्र की भूमि में भ्रमण कर रहे हैं, उधर एक सफेद कपड़ों में एक औरत जो एक जमीन के टुकड़े को साफ कर रही थी। दादा भीषम ने सोचा कि यहां पर तो औरतों का आना ही वर्जित है, ये कौन है। आखिर जाते हैं, जाकर देखा तो माँ गंगे सामने पाई, प्रणाम किया। हे माँ गंगे, आप इस युद्ध भूमि में कैसे हो मेरे लाल? इस युद्ध भूमि में आने का मेरा जो कारण है और जमीन का टुकड़ा जो मैंने साफ किया है, इस पे कल एक इतिहास लिखा जाना है। वो क्या है माँ गंगे, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, कल पता चलेगा। अच्छा, जब दादा भीषम वापिस आए तो आकर जैसे ही शिविर में पहुंचे, प्रणाम किया, पांचों पांडवों ने चरण स्पर्श किए तो दादा भीषम ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। श्री कृष्ण भगवान बीच में आ गए, हे पितामह भीषम कैसे विजयी भवे जब तक आप जिंदा हो। अच्छा, हे द्वारिकाधीश, मैं आपकी बात को समझ गया, मुझे इनके बीच में से हटना ही पड़ेगा। युक्ति बता दी कि सुबह अपने साथ में अपने एक महारथी जो शिखंडी नाम का है उसको ले आना, और जो आपके मन में आए पांडव सो करना। सजनों, अगले दिन सुबह युद्ध की रणभेरी बजी तो अर्जुन ने शिखंडी को सामने खड़ा कर लिया और दादा भीषम को इतने बाण मारे कि जमीन का वो हिस्सा जो आज माँ गंगे साफ करके गई थी वहां पर दादा भीषम गिरे। युद्ध समाप्त हुआ, शाम का समय है तो माँ गंगे मिलने के लिए आई। जैसे ही माता गंगे को देखा तो आंखों में आंसू आ गए पितामह भीषम के, कहने लगे कि माँ गंगे आखिर मेरी करनी कथनी में क्या अंतर हुआ, किस प्रकार कहते हैं एक एक बोल इस रागनी के माध्यम से क्या बताया। और मैं निर्भागी भाई जना को कितने आचल बीच लुका देना, हार गया इस जीने से मुझे आचल बीच लुका लेना। ओ मैं निर्भागी जना कोख से सुन दुखों के नारे माँ, हार गया इस जीने से मुझे आचल बीच लुका लेना, हार गया इस जीने से मुझे आचल बीच लुका लेना। प्रतिज्ञा भंग कर्म की गत दुनिया में नारी, हुई प्रतिज्ञा भंग कर्म की गत दुनिया में नारी। तेरे हाथ से मुक्ति पागी ऋषियों की संगत सारी, मैं ही पापी हुआ राम का मौत भी आके हारी, मैं ही पापी हुआ राम का मौत भी आके हारी। ओ माँ गंगे तू जाने सारी, माँ गंगे तू जाने सारी, भिड़े कर्म के धारी माँ, हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीज लुका ले माँ, हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीज लुका ले माँ।
काजी दुनिया का मेरी घटगी सब पुन्याई। मैं पर काजी दुनिया का मेरी घटगी सब पुन्याई। कौन जन्म की खोटी करनी मेरे आके आई। उसी परन पे डटा हुआ माँ जो तन सार सिखाई। मैं तो उसी परन पे डटा हुआ माँ जो तन सार सिखाई। जिधर खड़े थे अन्याई मेरे, जिधर खड़े थे अन्याई मेरे, कदम उधर में चले माँ। हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीज लुका ले माँ। हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीज लुका ले माँ। बंध्या हुआ मुझे पड़गी ओढ़ निभाई। मर्यादा में बंध्या हुआ मुझे पड़गी ओढ़ निभाई। अरे पाप और पुण्य धर्म या धर्म मने देखे अपने सामी। सत्य धर्म की नाव छूटगी होगी सार बिराणी। सत्य धर्म की नाव छूटगी होगी सार बिराणी। मेरी अपनों नहीं करती हानि, अपनों नहीं करती हानि, तो बड़े दुखों से पाले री माँ। हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीज लुका ले माँ। हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीज लुका ले माँ। सकेरे थी कल रणभूमि में मेरा। आंगन खड़ी सकेरे थी कल रणभूमि में मेरा। परिपाणों की सरसैया पे जहां हो गया मेरा बसेरा। कद फेर मिलन ना, आखिरी प्रणाम दादा भीष्म का है और आपकी तरफ से भी ताली चाहूंगा क्योंकि आखिरी लाइन है रागनी। इस प्रणाम पे तालियां हो। कद फेर मिलन ना हो मात परनाम आखिरी मेरा। कद फेर मिलन ना हो मात परनाम आखिरी मेरा। अरे तू हर वीर भरम ने घेरा, तू हर वीर भरम ने घेरा, फेरा में गुड़ डाले री माँ। हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीज लुका ले माँ। हार गया इसे जीने से मुझे ओ, मैं निर्भागी जना तोकते, मैं निर्भागी जना तोकते, सुन दुखों के नाले माँ। हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीज लुका ले माँ। हार गया इसे जीने से मुझे आचल बीज लुका।